रक्षाबंधन आज हम कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं जो भी ये अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है, जनसंचार माध्यम जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, आज इसी के और अन्य जो दिए हुए हैं संचार के साधन माध्यम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी जनसंचार माध्यम और लेखन। तो चलिए यहाँ पर दिया है समाचार पत्र पत्रिका है, ठीक है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो टेलीविजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है, लेकिन यहाँ रेडियो दिया है और टेलीविजन, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम जो होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहा। आज भले ही जो प्रिंट रेडियो टेलीविजन इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन क्या है, आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था। इसके तीन पहलू कौन कौन से है? पहला, समाचार पत्रों को संकलित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना। जैसे कि इसमें दिया है कि जो पहला समाचारों को पहले संकलित करना, फिर उनको संपादित करना, और फिर तीसरा कि पत्रिका के रूप में छाप कर उन तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हुए, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले दो कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारिता कौशल की अपेक्षा होती है। आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिका जो छपती है अतीत की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं और यहाँ पर दिए वर्तमान की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं। तो ये पत्रिकाएं जैसे इसमें कहा गया कि जो पत्रिका है पहले उनको क्या करना, संकलित करना, फिर संपादित छपने लायक बनाना, और फिर इसके बाद उनको पत्रिका के रूप में छाप कर पाठकों तक पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रिंट माध्यम समाचार और संपादकीय। प्रिंट मीडिया का आशय छपाई करने वाले संचार माध्यम से है। हम इसे मुद्रण भी कह सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, विज्ञापन इत्यादि। जनसंचार का प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत माध्यम क्या है? समाचार पत्र एवं पत्रिका। समाचार पत्र एवं पत्रिका, इसमें आता है मुद्रित माध्यम। पहला आता है समाचार पत्र, फिर पत्रिका। समाचार पत्र के कार्यों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला, समाचारों को संकलित करना, यह कार्य संवाददाता के द्वारा किया जाता है। दूसरा है संपादन करना, यह कार्य संपादकीय विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। तीसरा है मुद्रण तथा प्रसारण, ठीक। अब इसके बाद आता है समाचार पत्र का इतिहास। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के जोनेस गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना प्रेस कोलकाता में खोला गया सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से हमने तीन प्रकार के समाचार पत्रों को संकलित करना, संपादन करना और मुद्रण तथा प्रसारण। तो समाचार पत्र को तीन भागों में जो बांटा गया, तो पहले संकलित, संपादन और फिर उसके बाद मुद्रण या प्रसारण करना। चलिए पढ़ते हैं आगे। आजादी के पूर्व प्रमुख पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। अन्य पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, राम रक्ष बैनीपुरी, बाबू राव विष्णुराव, है ना।
इस प्रकार से शिव पूजन समय बाल मुकुंद गुप्त आजादी के पूर्व प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं केसरी हिंदुस्तान हंस सरस्वती कर्मवीर आज प्रताप प्रदीप विशाल भारत इत्यादि। आजादी के आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रिका का एक ही लक्ष्य था स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र का निर्माण। यही लक्ष्य आजादी पाने के दो दशकों तक आगे भी बना रहा, किंतु उसके पश्चात पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गई जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। आजादी के बाद की स्थिति, आजादी के बाद का समाचार पत्र जो है वह है नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। ये आजादी के बाद के समाचार पत्र हैं। अब हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक इत्यादि। हिंदी के प्रमुख पत्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वसायन, अज्ञे रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह। हिंदी में प्रकाशित होने वाले राज्य के समाचार पत्र हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और नवभारत, देशबंधु, हरिभूमि, नई दुनिया इत्यादि। समाचार केंद्र पत्रिका इंडिया टुडे, पांचजन्य और आउटलुक। इस प्रकार से यहाँ पर हमने पत्रिकाओं के विषय में समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। अब इसमें देखिए, जिस जन संचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम समानतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है शब्द संचार माध्यम और दूसरा आता है दृश्य संचार माध्यम। क्या क्या है शब्द संचार माध्यम? इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन आदि आते हैं। रेडियो के माध्यम से सूचना एवं संदेश शब्द के रूप में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी लोगों तक पहुंचता है। रेडियो जो है विद्युत तरंगों के जरिए काम करता है। कहता रेडियो का विकास भारत में सन 1892 के लगभग रेडियो का प्रारंभ हुआ और 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। किस सन में हुई? 1936 में। किसकी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे और वर्तमान में लगभग 24 भाषाओं और 146 बोलियों के आकाशवाणी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब आता है रेडियो की विशेषता। पहला, रेडियो की विशेषता निम्नलिखित है। रेडियो द्वारा प्रसारित जानकारी से शिक्षित अशिक्षित दोनों को लाभ होता है। रेडियो को कहीं भी सुना जा सकता है। रेडियो जनसंचार का सस्ता साधन है और रेडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी, अपनी समस्याएं विभिन्न लोगों, विचारों, विचारकों को सुना जा सकता है। विभिन्न लोगों को और विचारकों को भी सुना जा सकता है। क्या आता है? रेडियो जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं वहां रेडियो के प्रसारण माध्यम अति शीघ्र सूचनाओं की जानकारियों को जाना जाता है। अब इसमें है, देखिए, जहां लाभ है वहां कुछ की कमियां भी हैं। रेडियो में किसी भी जानकारी को दोबारा प्राप्त करने की सुविधा नहीं होती। रेडियो में समाचार की प्रस्तुति संक्षेप में की जाती है और रेडियो में देखने की सुविधा न होने के कारण श्रवण दोषित लोग इससे लाभ, मतलब इसको देख नहीं सक पाने के कारण इसका लाभ से वंचित रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एफएम रेडियो की लोकप्रियता। प्रारंभिक 100 वर्ष तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण था, किंतु 1947 के बाद प्रसार भारती नामक स्वायत्त निकाय बना और आज रेडियो और एफएम इसी के अंतर्गत आते हैं। रेडियो सबसे सस्ता चैनल, इसके लिए ना तो दूरदर्शन सेट उपकरण की आवश्यकता है, ना ही आंखें टिकाकर देखने की। दूर दराज के इलाकों से चलते फिरते आंखें बंद करके इसका आनंद लिया जा सकता है। और जब एफएम रेडियो का उद्भव हुआ, निजी चैनलों का सुविधा हुआ, शहरी क्षेत्रों में भी यह लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार की योजना है कि हर जिले में एफएम चैनल हो। दृश्य संचार, इसके अंतर्गत दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, वीसीडी, टेलीप्रिंट है ना, फैक्स, ईमेल इत्यादि। आप देख रहे हो चित्र के माध्यम से, ये गांव का चित्र, बहुत से लोग ये क्या सुन रहे हैं? रेडियो सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट जन संचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। यह मुद्रण, ध्वनि और रेडियो, दृश्य दूरदर्शन, फिल्म आदि संचार माध्यमों का संगम है। इसके विश्वव्यापी जाल WWF के माध्यम से पल भर में पूरे विश्व के ज्ञान मनोरंजन का अंग बना जा सकता है। इंटरनेट की विशेष,
इंटरनेट जो विशेषताएं पढ़ा रही हूँ, इंटरनेट मनोरंजन ज्ञान सूचना आपसे संवादों का आदान प्रदान करने का साधन है। दूसरा, इंटरनेट पर प्राचीन से प्राचीन और नई से नई जानकारी उपलब्ध होती है। तीसरा, इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी घटी घटना की जानकारी को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, इंटरनेट के से समय की भी बचत होती है। फिर जनसंचार माध्यम में इंटरनेट एक वरदान है जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक से कभी भी किसी भी स्थान पर रहकर प्राप्त कर सकते हैं। अब उसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसमें कुछ लाभ है तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी। जैसे इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयोगी होता है, इंटरनेट का क्षेत्र सीमित है, बहुत ज्यादा सीमित क्षेत्र है और वर्तमान में यह अश्लीलता एवं असामाजिकता का माध्यम बन गया। ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें कुछ मतलब कमियां भी हो सकती हैं। इंटरनेट अनावश्यक उपयोग से समय का अपव्यय होता है, विशेषकर बच्चों के लिए। जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहां यह अनुपयोगी है। फिर आता है शब्द दृश्य शब्द संचार माध्यम, इसके अंतर्गत क्या आता है, दूरदर्शन व सिनेमा आते हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेट का ये चित्र दिया हुआ है और जिसमें विभिन्न प्रकार की पिक्चर है, इंटरनेट पर जो पत्रिकाएं वगैरह है, इसका आपकी बुक में भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टेलीविजन। यहाँ संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम वर्तमान में सूचना को ज्यादा मनोरंजन का माध्यम बन गया। इसमें शब्द ध्वनि दृश्य तीनों के प्रभाव का सम्मिलित आनंद लिया जा सकता है। टेलीविजन का विकास भारत में इसका प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ और 1965 से 1975 तक महानगरों में दूरदर्शन केंद्र खुले और 1976 में स्वतंत्र रूप से दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। 20वीं सदी के अंत तक कई विदेशी चैनल जैसे CNN, BBC, स्टार, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार TV में अनुबंध के बाद समाचार प्रसारण के क्षेत्र में बाढ़ जैसी आ गई और जी न्यूज के बहुत सारे जैसे स्टार न्यूज स्वतंत्र समाचार चैनल शुरू हुए। 2002 में आज तक ने प्रवेश कर कड़ी टक्कर दी। आज लगभग 900 चैनल कार्यरत हैं। अब आता है टेलीविजन के लाभ। तो टेलीविजन के विभिन्न लाभ हैं। यह दृश्य एवं श्रव्य माध्यम होने का अधिक प्रभावी, इसमें सूचना एवं जानकारी सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। दूसरा, किसी भी घटना का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। दिन भर समाचार पत्र प्राप्त होता है। ये न केवल समाचार बल्कि मनोरंजन का ज्ञान प्रदान करने का भी साधन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेलीविजन है और मनोरंजन हो रहा है। टेलीविजन से हानि, अब जैसे कि मैंने बताया कि यदि किसी चीज से हमको लाभ है तो उसकी कुछ हानियां भी रहती हैं, है ना। तो पहला है, टेलीविजन पर दिखाए गए कई कार्यक्रमों का समाज और विशेषकर बच्चों पर बुरा असर होता है। टेलीविजन को अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण समय व्यर्थ होता है। यह संचार का महंगा साधन है, इसलिए इसके लिए बिजली की अनिवार्यता होती है। सिनेमा का आविष्कार फ्रांस के आता है सिनेमा के आविष्कार जो है फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर ऑगस्ट स्पे एवं लुइस ने की थी। विश्व की प्रथम फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन थी। यह 50 सेकंड की शाम श्वेत फिल्म थी जो 1895 में प्रदर्शित हुई और भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। और 1931 में पहली जो फिल्म थी वह थी आलम आरा बनी। प्रारंभ में धर्म पुराण इतिहास पर फिल्में बनी किंतु बाद में सामाजिक समस्याओं प्रेम व्यवसायिक एवं पारिवारिक फिल्मों का निर्माण होने लगा। ये अलग अलग जब से जो फिल्मों का शुरुआत हुई, कौन सी फिल्म हुई कब, जैसे कि मैंने कहा पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई। फिर आता भारत के कुछ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जैसे पृथ्वीराज कपूर, गुरुदत्त, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद नहलानी आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता क्या है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी, इसी के फलस्वरूप देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की कला पत्रकारिता कहलाती है। सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं। पत्रकारिता को क्या बोला जाता है, इस प्रकार से जो है पत्रकारिता के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको कहते हैं। अर्थात देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार पत्रकारिता का
देने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। उसकी जो भाषा है और सूचना दोनों कैसे होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व नई सूचना प्रदान करना। अब आते हैं पत्रकारिता के प्रकार, जैसे कि आप देख सकते हैं पत्रकारिता का दिया हुआ इसमें चित्र। अब आते हैं दूसरा पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों पर ले। पत्रकारिता के प्रकार निम्नलिखित है। पहला आता है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। सार्वजनिक महत्व को के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। उसके प्रमाण एकत्र कर प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत प्रमुखतः निम्न क्षेत्र आते हैं, जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। फिर आता है वॉचडॉग पत्रकारिता। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। फिर आता है एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। जैसे पहला सांप्रदायिकता के मुद्दे को छानने के लिए खास विचारधारा पत्रकारिता की जाती है। दूसरा राम सेतु जैसे विषय के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए पक्षधर में उनके पक्षधर पत्रकारिता की जाती है। फिर आता वैकल्पिक पत्रकारिता। प्राय सभी पत्र पत्रिकार स्थापित व्यवस्था और मानकों के अनुकूल चलते, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्राय पूंजीपतियों का, सरकारों का, विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। फिर आता है फी पत्रकारिता या पेज। इस प्रकार आता है फ्री पत्रकारिता, सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पी पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है, या पेज त्री पत्रकारिता भी कहा जाता है, जैसे भारत का बलिष्ठ अखबार, ठीक है ना। ये चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। पत्रकारिता के आयाम। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचार पत्रों से, समाचारों से है, किंतु इसके अन्य आयाम भी, जैसे किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि को छापना भी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पत्रकारिता के आयाम, पहला संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन, कार्टो ग्राफ और महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहते हैं। इसमें लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। पहला आता है संपादकीय या समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इस प्रश्न पर अखबार विभिन्न घटनाओं समाचारों पर अपनी राय देता है, इसे संपादकीय कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर बिना कुछ बोले बहुत कुछ बयां कर देती, उतना हम लिखकर नहीं कह सकते। फोटो का असर सीधा और व्यापक होता है, इसलिए फोटो टेक्नोलॉजी का पत्रकारिता में अहम रोल। फिर आता है कार्टून कोना। कार्टून के माध्यम से की गई टिप्पणियां सीधे पाठक के दिल में उतर जाती हैं और कार्टून प्राय सभी समाचार पत्रों में होते हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कभी कभी कड़े और धारदार, मतलब धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावशील होती है। रेखांकन या कार्टोग्राफ ये समाचारों को रोचक बनाते हैं, साथ ही उन पर टिप्पणी भी क्या करते हैं और सेंसेक्स के आंकड़ों से लेकर खेल की दुनिया तक पूरी बात एक नजर में ही सामने आ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर हमने आपको पत्रकारिता और संपादकीय पत्रकारिता, विभिन्न उसके आयाम, विभिन्न प्रकार के उसके जो प्रकार पत्रकारिता के, और किस सन में कौन सी पत्रकारिता, किस सन में कौन सी फिल्म और कौन से मतलब निर्देशक उसमें रहे हैं, कौन से किनको मतलब किस प्रकार से शुरू हुआ पत्रकारिता का दौर और फिर किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आता चला गया, इन विभिन्न विषयों पर हमने आपको पढ़ाया और समझाया। धन्यवाद बच्चों।